देश भर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। केरल में कोविड के नए वेरिएंट JN1 को लेकर के मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में सभी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं लोगों के अंदर कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर काफ़ी डर का माहौल बना हुआ है। इस बीच श्यामशाह मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर एवं डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने बताया कि नया कोरोना वेरिएंट JN1 चीन से फिर आया है। भारत में केरल और अन्य राज्यों में कोविड के नए वेरिएंट JN1 के मरीज मिले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस नए वेरिएंट JN1 से लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना वायरस ने पहले भी कई बार अपना स्वरूप बदला है, इसलिए सावधानी बरत कर इस वेरिएंट से भी अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है। वहीं उन्होंने रीवा के संजय गांधी अस्पताल की व्यवस्थाओं के संबंध बताया कि यहां पर्याप्त मात्रा में बेडों की व्यवस्था कर दी गई है और कोरोना टेस्ट की जांच भी शुरू हो गई है। अभी हम लोगों की जो है पहले दो स्तर पे हम लोगों ने तैयारी करी है, एक बेड प्लान और एक ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी। तो बेड प्लान में हम लोग जो पूर्व में जिस तरह से हम लोगों ने संजय गांधी हॉस्पिटल में शुरुआत में मरीजों को भर्ती किया गया था, तो हम लोगों ने अभी वर्तमान में 8 बेड अलग से अभी फिलहाल एक जगह सिलेक्ट कर लिएंगे और इनकेस अगर वहाँ आता है तो हम लोग वहाँ पर रखेंगे। और 792 करीबन बेड हमारे विद ऑक्सीजन है संजय गांधी हॉस्पिटल में, और बचे हुए 8 का भी हम अभी ऑक्सीजन उसमें भी लगा देंगे। तो सेंट्रल ऑक्सीजन दिक्कत नहीं, और जहाँ तक ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो हमारे पास 50 KL के टैंक है और उसमें प्रतिदिन हम अभी जो कंज्यूमशन है 2 या 3 KL का ही होता है। तो प्रतिदिन हमारे पास कम से कम इतनी मैक्सिमम कैपेसिटी है कि 14 से 15 KL की भी ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ गई तो हम लोग उसकी पूर्ति कर लेंगे मरीजों में। तो ऑक्सीजन और बेड की दिक्कत नहीं आएगी। और अभी अधीक्षक के द्वारा जो भी दवाइयाँ इसमें लगती हैगी एंटीवायरल ड्रग्स, उसके लिए कॉरपोरेशन से खरीदने के लिए कहा गया आएगा। और साथ में हमारी जो बाकी की जो टीम है जो हमारे PSA प्लांट को देख रही है, जो ऑक्सीजन के साइड पे देख रही है, उनको भी हमने अलर्ट कर दिया आएगा। और 108 वेंटिलेटर हमारे वर्तमान में कार्यरत है और कम से कम 120 बेड ICU के लिए ICU बेड है जो हमने अभी रिजर्व कर रखेंगे। वर्तमान में तो जो नॉन कोविड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, पर जैसे ही कोविड की संख्या बढ़ेगी तो ये 120 बिस्तर ICU हमारे पास है। इसमें 88 यहाँ पर है हमारे संजय गांधी में, बाकी GMH में और उसमें है। तो इस तरह से हमारी और है। तो और 240 के करीब SDU बेड भी हमारे पास है। टेस्टिंग को लेकर टेस्टिंग भी वो कंटिन्यू है, अभी भी हो रहा है। वी आर डेली अब में हमारे डॉक्टर HOD निगोड़ी सतत कर रहे हैं। वो कोविड की जो टेस्टिंग वो रुकी ही नहीं, अब ये था संख्या घट गई, 4 से 5 प्रतिदिन हो रहेंगे। तो टेस्टिंग है, किट है हमारे पास, सुविधा है।